खटीमा में ट्रक बस एक्सीडेंट के मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा की स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कापड़ी ने कहा कि आज बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने हेतु 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया था, अब इनको दबाव या स्वेच्छा से किस तरह लगाया गया होगा यह आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की रैली में जा रही बस का बिगराबाग बाईपास के पास जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोगों के द्वारा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह वे सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते दिखे ताकि बीजेपी का रोड शो उस रोड से गुजर सके और घायलों को त्वरित रूप से पहुंचाने की जगह 108 का इंतजार किया जा रहा था, जबकि इस दुर्घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हुए जिनमें से अधिकतर नाबालिग है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग को जहां कार्यवाही की मांग की है, वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रूपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है, क्योंकि बीजेपी की रैली में जाने के दौरान ही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें दो दर्जन के लगभग बच्चे घायल हो गए, जिस पर पलटवार करते हुए सहकारी बैंक के अध्यक्ष व बीजेपी के ब्लॉक संयोजक दान सिंह रावत ने कहा कि कुछ बच्चे पिकनिक को जा रहे थे, मुख्यमंत्री की रैली को देखते हुए उन्होंने रैली में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इस पर कांग्रेस का यह कहना गलत होगा कि भाजपा की रैली में शामिल होने के लिए बच्चों को लाया जा रहा था। वहीं उन्होंने बताया कि सीएम साहब ने आदेश किया है कि किसी भी बच्चों के इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। वहीं प्राइवेट संस्थाओं के स्कूल के बच्चों को लेकर प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यदि कोई प्राइवेट संस्था भाजपा को सहयोग करती है तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस के अधिकतर सदस्य भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस बौखलाहट में बयान कर रही है। हमारी मांग होगी, हम सभी लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सवेरे जो है सभा के तुरंत बाद ही अस्पताल जाकर के उन सब से मिल भी आए थे और उन्होंने सभी के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के इलाज में कोई कोताही न हो, पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की जो भी जो है आवश्यक सुविधाएं उन्हें देनी हैं वो दवाइयाँ और उनकी चिकित्सा पूरी की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के लिए कोई जमीन बची नहीं है, वो कुछ भी कहें वो विपक्ष में है कह सकते हैं। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है, हमें उस विषय पे कुछ नहीं कहना है। बच्चे कहाँ जा रहे थे, उनको पिकनिक में जाना था। मैं अभी जब अस्पताल में विद्यालय के बच्चों से और उनके जो टीचर हैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पिकनिक में जा रहे थे, बच्चों की इतनी जिज्ञासा जरूर थी कि क्षेत्र में सीएम साहब हैं तो एक बार मिल लेंगे। अब सीएम साहब को मिलने के लिए आते समय भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाए और उसमें भी वो बच्चे तो अभी 18 साल से कम के हैं, किसी का वोट भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वो नव मतदाता भी नहीं है जिनका हमें स्वागत कराना होता, वो तो छात्र हैं, उनके संस्था के छात्र हैं, उसके लिए राजनीति करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की 400 बार फिर मोदी सरकार के इस नारे से वो इतने भयभीत हैं कि अपनी जमीन बचाने के लिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। विपक्ष का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभाएंगे, हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ICU में हो, सीरियस हो किसी भी प्रकार से। मैंने बताया कि चोट लगने वालों में जो जिनको आप गंभीर चोट अगर मानेंगे तो एक बच्चे की कॉलर बोन में डॉक्टर साहब ने जैसा कहा एक हल्का सा बाल है और एक बच्चे के केवल ड्राइवर के बाजू में बैठने के कारण सामने टकराने से होंठ पे 3 टांके लगे हैं, इतनी ही इंजरी है, कोई भी सीरियस नहीं है, सब सुरक्षित है। अधिक
चिकित्सा विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ और स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी घायलों को निकालने से लेकर उन्हें चिकित्सा उपचार पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है और इलाज में कोई गंभीर है नहीं। उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी और आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है और आचार संहिता चल रही है। हमने तो डॉक्टर साहब से ये भी कहा है, हम व्यक्तिगत भी हम लोग उनके उपचार के लिए कोई भी आवश्यकता पड़ेगी अस्पताल से बाहर के लिए कोई भी सुविधा देने के लिए तो हम लोग उनके प्रति संवेदना रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से तैयार हैं, हम करेंगे। मेरा उस बारे में कहना यह है, स्कूल प्रबंधन स्थानीय रैलियों में या लोगों की शादियों में भी अगर प्रबंधन के लोग किसी को सहयोग कर रहे हैं तो उसमें उनको सहयोग नहीं करते होंगे तो उनको आपत्ति हो सकती है, हमें काहे की आपत्ति है। स्वेच्छा से अगर किसी दल को कोई सहयोग कर रहा है तो उसमें जो है उनका इस प्रकार का बयान देना। और हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 22 लोग 22 बच्चे, मुझे लगता है उसमें आधे से ज्यादा बालिग नहीं है जिनका बोर्ड है, वो घायल हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चों को भाजपा की रैली के लिए ले जाया जा रहा है। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग और दबाव और सरकार की जो हनक दिखा रही है, आज इस रैली से खुलकर सामने आ गया है कि ये खटीमा के प्राइवेट स्कूल हैं जिन स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं और बसों के नंबर लिखे हुए हैं। 103 बसें, 103 बसें अलग अलग स्कूलों से एकत्रित कर भाजपा के प्रचार के लिए, रैली के लिए उन बसों को ले जाया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी जो रुद्रपुर में रैली हुई, आज तो संडे का दिन था, अब स्कूल वालों ने स्वेच्छा से दिया या दबाव में दिया, ये आप सब समझ सकते हैं। 103 बसें, इससे पहले जब रुद्रपुर में रैली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बच्चों की बात करते हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, रैली में लोगों को ले जाने के लिए स्कूलों के कई क्लासों की छुट्टी कर दी ताकि उन बसों का उपयोग वो अपनी रैली के लिए कर सके। ये आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है जिसमें मुख्यमंत्री जी की रैली के लिए 103 बसों को विद्यालयों में से लिया गया है। और सबसे दुखद बात यह है, जब बस का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से और बस पलट गई, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी वहां उपस्थित थे, सबके पास गाड़ियां थी, किसी ने भी पहल नहीं करी कि उन घायल बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। हमारे कांग्रेस के साथी जगत भंडारी की गाड़ी से वो 9 लोगों को लेके आए और सारा प्रशासन 108 का इंतजार कर रहा था और रैली के लिए घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने की जगह रैली के लिए ट्रक हटवाने में लग गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के इस रैली के लिए प्रशासन कितनी ताकत लगाकर लगा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत समय से हम भी देख रहे हैं कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है।